नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक। पेश है रात 11 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन शुरू करते हैं महानगर की खबरों से। काशीपुर की घटना कहीं परिकल्पित तो नहीं, तृणमूल ने उठाया सवाल। काशीपुर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की मौत को लेकर राज्य में राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में है, घटनास्थल पर ही वे पहुंचे थे। इस मुद्दे को लेकर तृणमूल ने सवाल उठाया कि कहीं ये घटना परिकल्पित तो नहीं। राज्य के मंत्री व पार्टी प्रवक्ता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ऐसे सवालों को उठाते हुए कहा कि अमित शाह राजनीतिक ज्योतिष हैं, उन्हें कैसे पता चला कि यह राजनीतिक हत्या का मामला है। शाह कह रहे हैं कि मामले को लेकर वे कोर्ट जाएंगे तो जाएं, हम कोर्ट और उसके फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। भाजपा बंगाल में हर घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है, काशीपुर की इस घटना के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। राजनीतिक ज्योतिषी उन्हीं बोले दिलें प्रथमे जे एटा होच्छे राजनीतिक मृत्यु, অর্থাৎ এটা পলিটিক্যাল মার্ডার, মৃত্যু নয় খুন, পলিটিক্যাল মার্ডার। তাহলে তো আর কোনো ইনভেস্টিগেশনের দরকার নেই, কোনো কিছুরই দরকার নেই। তাহলে উনি বলেই দিলেন যে এটা পলিটিক্যাল মার্ডার। কী করে বুঝলেন আমরা সেটা জিজ্ঞাসা করতে চাই, কী করে বুঝছেন যে এটা পলিটিক্যাল মার্ডার? বললেন যে তাদের যুব মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট অর্জুন চৌরাশিয়া এর পলিটিক্যাল মার্ডার হয়েছে এবং তার ফ্যামিলি ক্লেম করেছে যে এটা খুব নৃশংস খুন। তার পরিবার কি ক্লেম করেছে সেটা তো নিশ্চিতভাবে ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার, সেটা দেখবেন, এবং সেখানে পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, তারা দেখবেন। কিন্তু তার আগে হোম মিনিস্টার কি করে বলে দিলেন যে এটা পলিটিক্যাল মার্ডার, আমরা সেটা বুঝতে পারিনি। অর্থাৎ এটা কি এটা ইঙ্গিত করছে না যে আসলে এটাকে পলিটিক্স এই মৃত্যু নিয়ে তৈরি করা হবে বলে একটা কিছু একটা ঘটানো হয়েছে? এগুলো তো এই দিকেই ইঙ্গিত করছে, না হলে জানবে কি করে যে দ্রুততার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির লিডাররা চলে গেলেন, যাদের মানুষের পাশে কখনো দেখা যায় না, যে দ্রুততার সাথে গেলেন এবং যেভাবে প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করলেন সেটা তো বোঝা গেল যে এটা একটা পরিকল্পিত ঘটনা নয়। তো এই প্রশ্ন আমাদের কাছে আসছে। কাশীপুর মে ভাজপা কর্মী কি মত কে মামলে মে সিবিআই যাঁচ কি মাং। কাশীপুর মে ভাজপা কর্মী অর্জুন চৌরাশিয়া কি মত কে মামলে মে সিবিআই যাঁচ কি মাং কি গই হ্যায়। অ্যাডভোকেট অমিতা পান্ডে আর অ্যাডভোকেট লোকনাথ চ্যাটার্জি নে হাইকোর্ট মে দায়ের কি হ্যায় পিআইএল। ইস ইয়াচিকা পর মঙ্গলবার কো চিফ জাস্টিস কে ডিভিজন বেঞ্চ মে শুনবাই হোগি। अमित शाह ने भाजपा नेताओं के साथ की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यू टाउन के होटल में प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राज्य में भाजपा की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने संगठन को दोबारा मजबूत करने के लिए जोर दिया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी भाजपा नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए। पार्क स्ट्रीट गैंगरेप कांड के अभियुक्त कादिर खान को हाईकोर्ट से राहत। पार्क स्ट्रीट गैंगरेप कांड के अभियुक्त कादिर खान को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली है। उसने निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट दायर किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस जयमाल बख्शी के डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। एक नजर जिलों की खबरों पर। पानी की किल्लत पर लोगों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम के जमुरिया बोरो क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 के मस्जिद मोहल्ला के युवाओं ने बीते 2 महीने से पानी नहीं मिलने के विरोध में सड़क अवरोध कर दिया। स्थानीय मोहम्मद कलाम ने कहा कि मस्जिद मोहल्ला सहित आसपास के क्षेत्र में बीते 2 महीने से पानी का वितरण नहीं होने पर भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किंतु नगर निगम में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी पानी देने को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला। 2 महीने से पानी की दिक्कत है, नल खुल रहा था, एक गाड़ी टंकी आ रहा था, आया टंकी खाली है, आधा टंकी का भी पानी आ रहा था, आप लोग इसे नल नल में पानी नहीं आ रहा है 2 महीने से। तकलीफ है, शिकायत बहुत दिए हैं, म्यूनसिपलिटी में कागज दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सभा से पहले सभा स्थल पर शुद्धिकरण की राजनीति। तृणमूल महिला कांग्रेस एवं बंग जननी वाहिनी की ओर से घड़ी मोड़ को शुद्धिकरण किया गया। पिछले 28 अप्रैल को घड़ी मोड़ पर बीजेपी ने बंगाल में हो रहे खून और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के प्रतिवाद में एक सभा आयोजित किया था। इस सभा में भाजपा नेता दिलीप घोष, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, सांसद लोकेश चटर्जी समेत भाजपा के अन्य नेता मौजूद थे। आइए रुख करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। अमरनाथ यात्रा रूट पर एनकाउंटर, पहलगांव में अब तक 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने एक को दबोचा, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। सपना चौधरी ने पति पर जमकर लुटाया प्यार, घर की छत पर रोमांटिक हुआ कपल।
कल का मौसम। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहेगा। बारिश होने की संभावना है। अभी के लिए बस इतना ही। सभी ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए देखिए कल सुबह 9 बजे खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।